धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन क्या देख रहे हो पार्थ? पिता तुल्य जनों, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूं केशव। इन्हें देखना क्या है पार्थ? तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो? हां, पहली बार तो नहीं देख रहा हूं। और तुम ये भी जानते थे कि ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी और खड़े अवश्य दिखाई देंगे। तो क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं केशव? हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूं केशव, मुझे ले चलिए वहां। ले चलता हूं पार्थ, ले चलता हूं। परंतु हे कुंती पुत्र, यह बात तुमने शंख बजने से पहले क्यों नहीं कही? क्योंकि शंख बजने के उपरांत अब युद्ध के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया केशव, कोई संदेह नहीं रह गया। ये अर्जुन कर क्या रहा है? चिंता ना करो अनुज, अर्जुन के सारथी वासुदेव कृष्ण हैं। अर्जुन का रथ तो भटक ही नहीं सकता। केवल यह सुनकर के पितामह भीष्म इन भाइयों के प्राण नहीं लेंगे। अर्जुन का साहस इतना बढ़ गया है कि वो अकेला ही आगे चला रहा है, जैसे कि कौरवों की सेना में और कोई युद्ध ही ना हो। ये अर्जुन कहां चला आ रहा है आचार्य? मुझे तो किसी दुविधा में लगता है, किंतु वासुदेव के होते हुए दुविधा कैसी गंगा पुत्र? दुविधा में तो मैं पड़ गया हूं आचार्य। जिस योद्धा ने विराट युद्ध में अकेले ही हम सभी को पराजित कर दिया था, वही अपना रथ लिए उस सेना की ओर चढ़े चला आ रहा है। जिस सेना का प्रधान सेनापति होना मेरा दुर्भाग्य है आचार्य। किंतु क्या कुंती पुत्र अर्जुन यह भूल गया है कि अभी युद्ध के आरंभ का शंख नहीं बजा? वासुदेव ने रथ रोक लिया है गंगा पुत्र। ये क्या प्रहेलिका है आचार्य? लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया। ये दो सेनाएं नहीं है केशव,
ये तो दो सागर हैं। दादाजी, दादाजी। क्या हुआ भीम? ये मेरी खीर खा गया। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवा देंगे, ठीक है? अच्छा, मैं यही आपके पास सोचूं ताश्री। अरे पगले, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि मैं तुम्हारा ताश्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारे तात का तात हूँ। गले नहीं लगोगे पुत्र? मेरे वस्त्रों पर तो यात्रा की धूल है पितामह, आपके श्वेत वस्त्र मैले हो जाएंगे। मेरे ये श्वेत वस्त्र तो सदाई भी तुम्हारे वस्त्रों की धूल के लिए व्याकुल रहते हैं पुत्र। पितामह, पितामह। क्या खेलने में तुम्हें आनंद नहीं मिलता वत्स? जब गुरु शिक्षा दे रहे हो तो वो खेलने का समय नहीं हो सकता गुरुदेव। लगता है तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा अर्जुन। अर्जुन? गुरुदेव, मैंने तो तुम्हें अभी इसकी शिक्षा दी ही नहीं। शिक्षा तो आप ही ने दी है गुरुदेव। इन्हें कब तक देखते रहोगे पार्थ? देखने दीजिए केशव, देखने दीजिए। क्या पता इस युद्ध के उपरांत इनमें से कौन देखने को मिलेगा और कौन नहीं देखने को मिलेगा। माधव, मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूं और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूं? दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियां। वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं, वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे, मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। मैं अपने मैले धूल में सने वस्त्र पहनकर इनकी श्वेत गोद में घुस जाया करता था और वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। वो मेरे पितामह है केशव, वो मेरे पितामह है। वो आचार्य द्रोण है जिन्होंने मेरी आत्मा को नहला दिया अपने ज्ञान सागर में और इस शिष्य की झोली में अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया। उन्होंने जितना मुझे दिया है ना केशव, उतना तो स्वयं अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। मैं इनसे युद्ध करने आया हूं, मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हुआ जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, धनुष और बाण पकड़ने वाले यह हाथ सुन्न हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव, जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। मैं इन पर वाण क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता केशव, अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता। आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव? अभी तो मैं सुन रहा हूं ना पार्थ, पहले तुम कह लो। कहने को क्या है केशव, कहने को क्या है? मैं अपने कुल के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा कर सकता। मैं उस राजसुख का क्या करूंगा जिससे भरतवंश के लहू की महक आ रही होगी? जिन गुरुजनों के चरणों पर सिर रखा उन्हीं का सर काट फेंकू? जिससे इस धनुष पर वाण लगाना सीखा उसी पर वाण चलाऊं केशव? मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य तो फिर भी पृथ्वी का राज्य है, मुझे इन दामोद त्रिलोक का राज भी नहीं चाहिए। दुर्योधन भी है तो मेरा ही भाई ना। माना कि उसने हमारे साथ कपट किया है, उसने पंचाली का अपमान करके सारे भरत वंश का अपमान किया है, किंतु है तो वो ज्येष्ठ पिताश्री का ज्येष्ठ पुत्र ही ना। ये तो बड़े खेद की बात है कि भूमि के एक टुकड़े के लिए हम लोग कुल नाशक बनने को तैयार हो गए। हे शांति देव, यदि सब कुछ खोकर भी मुझे शांति मिले और मैं कुल के नाश के पाप से बच जाऊं,
तो ये शांति बहुत सस्ती है केशव, ये शांति बहुत सस्ती है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। केशव, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले यह बताओ पार्थ, कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं, ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन, खड़ा कैसे हो जाऊं? पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? कुरुश्रेष्ठ पर प्रहार करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? जो मेरे लिए पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे करूं? जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं यह हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं, भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। धृतराष्ट्र पुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं, मैं जानता हूं कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है, किंतु हे केशव, उनका वध करने के उपरांत भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं है केशव? बोलिए केशव। अवश्य है, बस केवल इतना ही कहना है आपको? तुमने केवल यही तो पूछा था पार्थ, किंतु ये युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र। अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो यह नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केशव, इसलिए हे वासुदेव, आप मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं, किंतु यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे।